गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, इट इज़ योर फर्स्ट चैप्टर 12 सिल्वर कप्स। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ बॉय हुज नेम इज़ जेफरी। ही इज़ वेरी गुड स्पोर्ट्स रनर एंड वॉन 12 सिल्वर ट्रॉफीज कप्स एंड ट्रॉफीज। जेफरी वॉज अ स्प्लेंडेड रनर एंड इन हिज स्कूल स्पोर्ट्स ही ऑलवेज वॉन ऑल द रनिंग प्राइजेज। ही ऑलरेडी हैड 11 कप्स, सो दैट ईयर वेन ही अगेन वॉन द प्राइज फॉर रनिंग ही हैड हिज 12 सिल्वर कप्स। हाउ प्लीज ही वॉज। जेफरी बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत स्प्लेंडेड मीन्स वंडरफुल, एक्सलेंट रनर, बहुत अच्छा रनर। एंड इट इज़ स्कूल स्पोर्ट्स में वह बहुत अच्छा रनर है और उसने अपने रनिंग प्राइजेस में जितने भी प्राइजेस थे उसमें ही ऑलवेज वोन, वो हमेशा रनिंग प्राइज जीता है। ही ऑलरेडी हैड 11 कप्स, उसके पास पहले से ही 11 ट्रॉफीज हैं। सो दैट ईयर व्हेन ही अगेन वोन द प्राइज फॉर रनिंग, सो इस साल उसने फिर से प्राइज रनिंग के लिए प्राइज जीता है और ही हैड हिज 12 सिल्वर कप, ये उसका 12 सिल्वर कप है। ही हाउ प्लीज ही वॉज, वह कितना खुश है। एंड देन वॉट डू यू थिंक हैपन टू दो सिल्वर कप, 12 सिल्वर कप्स। वन नाइट अ बगलर्स गो इन टू द हाउस एंड स्टोल देम ऑल। ही हैड नॉट टाइम टू टेक एनी थिंग एल्स बिकॉज स्पॉट द डॉग बिगेन टू बार्क। डैडी वॉक अप एंड हियर्ड अ नॉइस एंड टोर डाउन स्टेयर्स जस्ट इन टाइम टू सी अ डार्क फिगर रनिंग डाउन द गार्डन। एंड देन वॉट डू यू थिंक, उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि उन 12 सिल्वर कप्स के साथ क्या हुआ होगा। वन नाइट, एक दिन, एक जो एक बगलर्स, बगलर अ पर्सन हु स्टील थिंग्स फ्रॉम समवनस हाउस, गॉट इन टू द हाउस, उनके उसके घर में आया एंड स्टोल देम ऑल, उसने सारी ट्रॉफीज को चुरा लिया। ही हैड नॉट टाइम टू टेक एनी थिंग एल्स, और उसके पास थोड़ा उतना टाइम नहीं था कि वो कुछ और वहाँ पर कर सकता था कि डॉग ने भोंगना बार करना स्टार्ट कर दिया। डैडी वॉकअप, डैडी भी वॉकअप उठ गए एंड हियर्ड अ नॉइज एंड टोर्ड, टोर मीन्स टीयर, डाउन स्टेयर्स जस्ट इन टाइम टू सी अ डार्क फिगर रनिंग डाउन द गार्डन, उन्होंने देखा कि एक डार्क फिगर गार्डन की तरफ जा रही है। ऑन द लाइट एंड सॉ दैट जेफरीज कप वर गॉन, ही रैन इन टू द गार्डन बट द मैन हैड डिसअपीयर्ड, सो डैडी रैंग अप द पुलिस। डैडी ने जैसे ही लाइट ऑन की एंड सॉ, उन्होंने देखा कि जेफरीज के जितने भी कप थे वो नहीं है वहाँ पर। ही रैन इन टू द गार्डन, वे दौड़कर गार्डन में गए और उन्होंने देखा कि वो आदमी अब वहाँ से गायब हो चुका है। सो डैडी ने पुलिस को कॉल किया बट नोबडी सीम्स टू बी एबल टू गेट बैक दोज कप्स। जेफरी वॉज वेरी अनहैप्पी बिकॉज दे वर हिज एंड ही हैड बीन प्राउड ऑफ देम। द पुलिस मैन टुक अ लॉट ऑफ नोट्स एंड आस्क अ ग्रेट मैनी क्वेश्चंस बट ही डिड नॉट कैच द थीप। थ्रो ही सैड दो थ्रू ही सैड ही फेल्ट श्योर ही न्यू हु इट इज इट वॉज। 2 weeks went by and nothing was heard of the 12 silver cups. Then another bit of bad luck came to Jeffrey. He lost his tortoise. कोई भी उन कप्स को वापस ढूंढ नहीं पाया। जेफरी वॉज वेरी अनहैप्पी, जेफरी बहुत ही अनहैप्पी था, बहुत ही सैड था बिकॉज दे वर हिज, क्योंकि वो उसके कप्स थे, उसकी ट्रॉफीज थी एंड ही हैड बीन प्राउड ऑफ देम, उन उस ट्रॉफी की वजह से ही उसको अपने ऊपर प्राउड था। द पुलिस मैन ने बहुत सारे नोट्स लिखे एंड आस्क अ ग्रेट मैनी क्वेश्चन, उन्होंने बहुत क्वेश्चन भी पूछे बट फिर भी वो चोरों को नहीं पकड़ पाए। दो ही हैड सी ही सैड ही फेल्ट श्योर ही न्यू हु इट वॉज, लेकिन उसको जेफरी को कुछ लगता था, श्योर था कि उसे मालूम है कि इसने किसने ये किया है। 2 weeks went, two weeks गुजर गए थे लेकिन कोई भी उन सिल्वर कप्स के बारे में किसी ने नहीं सुना था। देन तभी एक और बैड लक आया उसके जेफरी के पास कि उसने अपना एक टॉर्टॉइस
खो दिया। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड आफ्टर वर्ड्स।